मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के खिलाफ प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा करने और छल कपट करने की बात कही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं के हजारों रुपए हड़पने वाले कमलनाथ अब महिलाओं की बात करते हैं। मित्रों, मैं एक सवाल बार बार कमलनाथ जी से पूछूंगा। सरकार आने पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जब तक जवाब नहीं देंगे मैं पूछता रहूंगा। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2017 में अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनें, जो जनजाति समाज से आती हैं, उनके 1000 रुपया जो हमने मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना के देना प्रारंभ किए थे, सरकार में आते ही वो 1000 रुपया महीना जो मैं देता था, कमलनाथ जी आपने उन गरीब बहनों से क्यों छीन लिए? वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन धोखा दिया, छल किया, कपट किया, बहनों के 1000 रुपए छुड़ा लिए और अब बहनों की बात करते हैं। वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने वादा किया था, गंभीर रूप से बीमार महिलाएं जो काम करने की क्षमता खो चुकी है, उनको जीवन भर पोषण, जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। कौन सी योजना बनाई? जो योजना बनी थी वो छीन ली और झूठा वादा करके उस समय वोट ले लिए। जनता को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को देश के लिए कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अगर कोई गड़बड़ करेगा, फिर चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार, उनका सोच, उनका चिंतन, उनके काम केवल देश और देश की जनता के कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब पहले आंखों की शर्म होती थी, तो नेता कोई अपराध कर दे तो कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोई भी हो, ये मोदी जी की सरकार का सोच, अगर गड़बड़ करेगा तो कितना बड़ा भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने के बजाय, भाई भ्रष्टाचार मत करो, भ्रष्टाचार नहीं करोगे तो कार्रवाई नहीं होगी, कहां से होगी कार्रवाई? और करोगे तो ये देश की जनता भी मानती है कि गड़बड़ करने वाले किसी भी दल के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है तो दर्द क्यों? पहले 1000 कैसे छीने ये बताओ, आहार अनुदान योजना के कमलनाथ, ये तो बताओ, जो मैं देता था वो छीन लिए और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।